हेलो दोस्तों, के आर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2020 का कट ऑफ मार्क। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जा ही नहीं सकता। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आगे, कितना जा सकता है कट ऑफ। पहले हम लोग देखेंगे 2017 में जो कट ऑफ गया था उसको, और उसी से तुलना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, ठीक है, वो उसमें रिक्त पद टोटल कितने थे, 9900 थे। ठीक है, और टोटल परीक्षार्थी कितने थे दोस्तों, 7,66,000 परीक्षार्थी थे। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, बिहार बोर्ड में जो भी पुलिस लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो मेरिट जो बनता है वो शारीरिक परीक्षा के आधार पर बनता है। ठीक है, वो फिजिकल टेस्ट के आधार पर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है दोस्तों, 2017 में जो मेरिट बना था, 2017 में जो मेरिट बना था, ठीक है, उसको सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, 2017 का मेरिट क्या था उसको सबसे पहले, तो ये रहा दोस्तों 2017 का कट ऑफ मार्क। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है देखिए, कट ऑफ मार्क जो है ये टोटल जो है 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल तीन पारी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तीन पारी में हुआ था, प्रथम पाली, दूसरा पाली और तीसरा पाली। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका कट ऑफ बता रहे हैं, देखिए आप ठीक से देख लीजिएगा, सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ गया था वो 80 गया था। ठीक है दोस्तों, कितना गया था, 80 गया था। OBC का जो है प्रथम पाली में, प्रथम पाली का मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सामान्य वर्ग का 80 गया था, OBC का 75 गया था। ठीक है, और SC का 59 गया था, और ST का 49 गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा पाली हुआ था उसमें हुआ था टोटल जो है, दूसरा पाली में सामान्य वर्ग का गया था 85, उसके बाद OBC का गया था 65। ठीक है, और SC का गया था 53, और ST का गया था 52। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा पाली हुआ था उसमें 65 गया था सामान्य वर्ग का, OBC का 62, और SC का 55, और ST का 47 गया था। ठीक है, तो टोटल जो है, आप यदि मेरिट बनते हैं, फाइनल जो मेरिट बना था वो टोटल गया था कितना, सामान्य वर्ग में जो बना था वो बना था 76.66। ठीक है दोस्तों, और OBC में जो बना था वो 67.33, उसके बाद जो SC में बना था वो 55.66 बना था। ठीक है, और ST में जो बना था वो 49.33 बना था। ठीक है दोस्तों, तो ये था 2017 का, ठीक है, जो मेरिट बना था वो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। दोस्तों आगे देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों 2020 का। ठीक है दोस्तों, 2020 का जो वैकेंसी निकला है, ठीक है, उसमें टोटल पद कितना है दोस्तों, उसमें टोटल पद था 11,880। ठीक है दोस्तों, इतने पद थे। ठीक है, तो ये इतने पद टोटल थे, तो इसके उसी नोटिफिकेशन में आपका दिया हुआ था कि बिहार की तरफ से जो आरक्षण दिया जाता है, पहले उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो आरक्षण दिया जाता है दोस्तों, वो होम गार्ड का दिया जाता है 50%। ठीक है, वो होम गार्ड यदि बिहार राज्य में कोई है तो उसको 50% का दिया जाता है छूट झारखंड बिहार पुलिस में। ठीक है, उसके बाद बिहार राज्य के महिलाओं को 35% दिया जाता है, EBC OBC को 18% दिया जाता है, उसके बाद जो है SC और ST को 16% दिया जाता, और EWF को 10%। ठीक है, और महिलाओं BC महिलाओं को अलग से दिया जाता 3%। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब आगे दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा 2020, ठीक है, जो 2020 में एग्जाम हुआ था, अब उसके बारे में अच्छी तरह से बात करते हैं। देखिए, परीक्षा दो चरणों में हुआ था, एक 12 जनवरी को हुआ था और दूसरा 8 मार्च को हुआ था। ठीक है, चार शिफ्ट में आयोजन किया गया था दोनों परीक्षा। ठीक है, चार शिफ्ट में आप लोगों का आयोजन हुआ था, जिसमें टोटल जो है 12,00,000 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है दोस्तों, 12,00,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 11,00,000 जो है विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है, 1,00,000 विद्यार्थियों ने लगभग परीक्षा नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, 12,00,000 फॉर्म में से कम 11,00,000 जो है परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है जो पेपर लीक हुआ था, ठीक है, जो पेपर आप लोगों का लीक हो गया था, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो इसका कट ऑफ सामान्य रहने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, सामान्य रहने की संभावना, तो देखते हैं कितना है कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितना जा सकता है आप लोगों का कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे।
तो देखिए दोस्तों, 12 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, पहले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 12 जनवरी को जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दो शिफ्ट में आप लोगों का परीक्षा हुआ था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो जनरल का गया था दोस्तों, जनरल का आप लोगों का जा सकता है 72, ठीक है दोस्तों, जो मेल कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेल का। और फीमेल का 55 जा सकता है, ठीक है दोस्तों, 55 जा सकता है फीमेल का, और मेल का जा सकता है 72, ठीक है दोस्तों। और इसमें से आपका कम से कम एक नंबर ज़्यादा या एक नंबर कम के हिसाब से आप लोगों का जा सकता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा, ज़्यादातर ज़्यादा नहीं जा सकता, एक से दो, उससे ज़्यादा आप लोगों का नहीं बढ़ सकता, ठीक है दोस्तों। देखिए, उसके बाद जो बीसी कैंडिडेट थे, उनका जो एमएल कैंडिडेट था उसका था 65 और फीमेल का 59, ठीक है। उसके बाद जो ईबीसी का था, उसका था 64, ठीक है, उसका इतना जा सकता है, और फीमेल का जो है उसका 50 जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और एससी कैंडिडेट जो है उसका जा सकता 55, ठीक है, और फीमेल का जा सकता 40, ठीक है। और एसटी में जो आता है उनका जा सकता 52, और जो फीमेल में आता है उसका 35 जा सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं शिफ्ट टू में, ठीक है, शिफ्ट टू जो हुआ था उनका देखते हैं, उनका जा सकता है दोस्तों, जनरल का जा सकता है 70, ठीक है, 70, और जो फीमेल में है उनको जा सकता है 55, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो बीसी है उसका 66, उसके बाद 56 जा सकता है इसका, ठीक है, मेल और फीमेल का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ईबीसी का, ईबीसी का जो मेल है उनका जा सकता है 60, उसके बाद फीमेल का 46, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है एससी का देखते हैं, एससी का जा सकता है 52, ठीक है दोस्तों, जो सेकंड शिफ्ट का मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है उसका 36 जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो एसटी कैंडिडेट था उसका 50 और 32 इतना जा सकता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों 8 मार्च वाला, ठीक है, अब 8 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका देख, तो ये रहा दोस्तों 8 मार्च का, ठीक है। इसका जो है लगभग उसी के लेवल में जाएगा। देखिए, इसमें जो जनरल कैंडिडेट थे उसका 70 मेल का, 70 फीमेल का, 53, बीसी का 65 और 58, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ईबीसी का 65 और फीमेल का 50, ठीक है दोस्तों, एससी का 53 और फीमेल का 40, ठीक है, और एसटी का 45 और फीमेल का 35, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो शिफ्ट टू हुआ था उसी में, ठीक है दोस्तों, शिफ्ट टू जो हुआ था उसका बात अब करते हैं। उसमें आप लोगों का जो है जनरल कैंडिडेट का जा सकता है 73 और फीमेल का जा सकता है 53, ठीक है। उसके बाद जो बीसी है उनका जा सकता है मेल में 65 और फीमेल में 60, ठीक है। उसके बाद जो ईबीसी है उनका जा सकता है 62 और फीमेल का 52, ठीक है दोस्तों, और एससी का जो है उसका 54 और 41, और जो लास्ट बचा एसटी का जा सकता है 45 और फीमेल का जा सकता है 35, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ओवरऑल कितना जा सकता है आप लोगों का कटअप, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं ओवरऑल। देखिए दोस्तों, ओवरऑल जो जा सकता है वो कैंडिडेट का जो है यूआर, जनरल का जा सकता है 70 से 75 के बीच में, ठीक है दोस्तों, 70 से 75 के बीच में जा सकता है। उसके बाद जो बीसी कैंडिडेट है उनका जा सकता है 65 से 68, ठीक है, 65 से 68, और ईबीसी जो है उसका 66 से 67 जा सकता है, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। और एससी का जो है वो 55 से 57, ठीक है, और एसटी का जो है वो 47 से 52। दोस्तों, यदि इतना के बीच में आप लोगों का आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग शारीरिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, ठीक है दोस्तों, आप लोगों का 100% हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग शारीरिक परीक्षा में आप लग सकते हैं इतना के बीच में यदि आ रहा तो, ठीक है, यदि एक दो नंबर कम आ रहा फिर भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।